मम्मी जी आपकी चाय। मम्मी जी जिंदा हो या निकलनी? क्या बोली तू बगैरत? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो कह रही थी आपकी चाय ठंडी हो रही है, इसे पी लें। मुझे पता है तू मेरे मरने की दुआएं मांगती है ना, मेरी खूबसूरती से जलती है तू। मम्मी जी कुछ भी मत बोलो, आप हो खूबसूरत, किसने कह दिया? कौन कहेगा, मैं बचपन से ही जानती हूँ, मैं बचपन से ही ब्यूटीफुल हूँ। मम्मी जी अब क्या हुआ बहू, तू मेरी खूबसूरती से जलती है? मतलब आप बचपन से ही खुशफहमी में जी रही थी और आपको सच्चाई बताने की किसी ने जरूरत भी नहीं की। ए तू क्या कहना चाहती है बहू, कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मम्मी जी कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, कोई जानवर पाल लो, लेकिन खुशफहमी कभी नहीं। हो गया तेरा, वैसे भी मुझे सुबह सुबह तेरी बनहूस सूरत देखने की आदत नहीं है, तू जा। मम्मी जी जा रही हूँ, वैसे भी मेरी दाल जल जाएगी। मेरे सपनों के राजकुमार, तेरा करती हूँ एतबार, आजा सजन घर आजा, दलम घर आजा। हो क्या गया है तुम्हें, ऐसा क्या देख रहे हो मोबाइल में जो तुम्हारी नजरें ही नहीं हट रही हैं मोबाइल से? क्या देख रहे हो ऐसा हैं? बताओ जरा मुझे, क्या देख रहे हो मोबाइल में? अरे कुछ नहीं, बस मैं उर्फी जावेद की वीडियो देख रहा था। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, इस उम्र में उर्फी जावेद की वीडियो देख रहे हो हैं? ये उम्र है क्या तुम्हारी उर्फी जावेद की वीडियो देखने की? खूबसूरती की दुकान तुम्हारे सामने बैठी है, तुम उर्फी जावेद की वीडियो देख रहे हो? कहाँ 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 है भाई? आप ना सच में बुड्ढे हो गए हो, अपने चश्मे का ना नंबर बदलवाओ। इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हारे सामने बैठी है और तुम पूछ रहे हो कहाँ है? अब तुम में वो बात नहीं रही, तुम्हारा देखने का नजरिया ही गलत है। मैं कल भी हॉट एंड सेक्सी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। अगर आज भी मैं तैयार होकर घर से बाहर निकल जाऊँ ना, तो चार आशिकों की नजर लग जाएगी मुझको। बेगम तुम्हें चार आशिकों की नहीं, चार कंधों की जरूरत है जो तुम्हें कब्रिस्तान तक छोड़ के आ जाएं। क्या मतलब? मतलब के ऊपर वाले की तरफ से कभी भी बुलावा आ सकता है। तुम और तुम्हारी बहू दोनों ही ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तुम्हारे पास तो बैठना ही फजूल है, मैं चलती हूँ। सो हे गाइस, आप लोगों को हमारा ड्रामा कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और हमारा ड्रामे के रोल सास बहू और शौहर का कैरेक्टर आप लोगों को कैसा लगा वो भी लाजमी बताइएगा। हम लोग चलते हैं, आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।